प्रधानमंत्री मोदी ने आज मिशन दक्षिण विजय और कोरधार, पीएम ने तमिलनाडु में दो रैलियां की, इसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए युवराज शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने शक्ति वाले बयान के लिए राहुल और सनातन वाले बयान को लेकर उदय निधि पर सीधा हमला बोला। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। विरोधियों के खिलाफ जीत की हुंकार भरते पीएम मोदी वेल्लोर में पूरी तरह तमिल संस्कृति के रंग में रंगे दिखे। पारंपरिक वेष्टी में हाथ जोड़े मोदी मंच पर आगे बढ़ रहे थे, तभी पार्टी की एक महिला नेता उनके पैर छूने के लिए झुकी। पीएम अचानक पीछे हटे और उन्होंने दो बार झुककर प्रणाम किया। इसे सिर्फ संयोग कहें या कुछ और, पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर बरसते हुए महिलाओं के सम्मान के मुद्दे का बार बार जिक्र किया। बीजेपी को एनडीए को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाएगा। चुनावी मैदान तमिलनाडु का है और पीएम मोदी इंडिया गठबंधन के खिलाफ यहां भी सनातन से लेकर राम मंदिर के उसी मुद्दे को धार दे रहे हैं, जिसका जिक्र वो देश के दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। पीएम मोदी ने डीएमके नेता उदय निधि और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलग अलग बयानों को एक ही तराजू पर तौल दिया। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडियंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। पीएम मोदी को वेल्लोर में पार्टी नेताओं ने सेंगोल भी भेंट किया, जिसका जिक्र हर सभा में पीएम मोदी कर रहे हैं। यानी सनातन से लेकर सेंगोल तक बीजेपी का चुनावी रास्ता बिल्कुल साफ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।